बहुत बहुत शुक्रिया जश्न प्रयाग की पूरी टीम को, ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी भाई ने काफ़ी अच्छी गज़लें, कविता, गीत प्रस्तुत किया है। अब जाहिर सी बात है, इनके बाद अगर नए लोगों को बुलाया जाएगा तो थोड़ा सा माहौल फीका पड़ेगा ही। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करूंगा, और थोड़ा सा आप लोग भी इत्मीनान रखिएगा। अगर आप लोग शायरी सुनते हैं तो मैं आपको शायरी गारंटी देता हूँ सुनाऊँगा। अगर आप संजीदा लोग हैं, जिंदा दिल लोग हैं, शायरी सुनने के मूड में मैं ज़रूर सुनूंगा। और ये जो आयोजक लोग हैं मंडल के सब लोग, तो अगर आप लोगों ने बुलाया है सुनने के लिए, आप लोग बेशक सुनाएंगे। और थोड़ा सा आप लोग के भी जहन चाहूंगा, आप सबकी सिरगत चाहूंगा। अगर मोबाइल में कुछ चला रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम दीजिए, मोबाइल रख दीजिए, ठीक है। और जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, घूम उम रहे हैं, थोड़ा अंदर आ जाए, 5 मिनट का टाइम लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं शेर से शुरुआत करता हूँ कि अदब की महफिलों में आजकल दिखने लगा हूँ मैं, अदब की महफिलों में आजकल दिखने लगा हूँ मैं, उम्र पढ़ने की है मेरी मगर लिखने लगा हूँ, उम्र पढ़ने की है मेरी मगर लिखने लगा हूँ मैं, और गुनाह करने की ताकत बाजुओं में अब नहीं मेरे, गुनाह करने की ताकत बाजुओं में अब नहीं मेरे, खुदाया दर पे तेरे इसलिए झुकने लगा हूँ मैं, खुदाया दर पे तेरे इसलिए झुकने लगा हूँ मैं। और एक शेर, एक गज़ल के शेर है मतला, और एक शेर है, असल में हुस्न की तो इब्तदा है, असल में हुस्न की तो इब्तदा है। त्रिनेत्र भाई तवज्जो चाहूँगा, आप लोग को बड़े ही प्यार से सुना गया, मैं भी आपका थोड़ी सी हाजिरी चाहूँगा। शेर सुनिएगा, शेर सुनने वाले लोग हैं तो आप लोग का एकदम मन बनाएंगे इंशाल्लाह कि असल में हुस्न की तो इब्तदा है, तेरा होना ज़मी पर मोजज़ा है, तेरा होना ज़मी पर मोजज़ा है, और तेरे माथे का बोसा ले रहा हूँ। शेर सुनिएगा कि तेरे माथे का बोसा ले रहा हूँ, बस इतना सोच कर अच्छा लगा है, बस इतना सोच कर अच्छा लगा है। और गज़ल के कुछ शेर, मतला शेर, मैं पूरी गज़ल नहीं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा शेर पढ़ूँगा तो आप लोग का भी मन बना रहेगा। हम दोनों की हालत भी कुछ ऐसी है, शेर सुनिएगा, हम दोनों की हालत भी कुछ ऐसी है, बकरे के गर्दन पे छुरी रखी है, बकरे के गर्दन पे छुरी रखी है, हम दोनों पर क्या गुजरेगी रब जाने, हम दोनों पर क्या गुजरेगी रब जाने, हम दोनों ने घर की इज्जत रख ली है, हम दोनों ने घर की इज्जत रख ली है। और एक और गज़ल का मतला शेर है कि गलत फहमी का बादल छट चुका था, गलत फहमी का बादल छट चुका था, मैं उसकी आँख में सब पढ़ लिया था, मैं उसकी आँख में सब पढ़ लिया था, और बहुत दिन बाद उसका हाथ देखा। शेर सुनेगा, बहुत दिन बाद उसका हाथ देखा, अंगूठी का निशा भी मिट गया था, अंगूठी का निशा भी मिट गया था, और बहुत खुश होने पे रो देने वाला, बहुत खुश होने पे रो देने वाला, मिला उससे तो लड़का हंस रहा था, मिला उससे तो लड़का हंस रहा था। बहुत शुक्रिया।
एक गज़ल है, पूरी मुकम्मल गज़ल पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अब लोग, कुछ लोग देख रहा हूँ कि इधर से उधर हो रहे हैं, थोड़ा सा इधर मन बनाइए, शायरी का सुनने का मन बनाइए तो मुझे भी सुनाने में अच्छा लगेगा। कि हर एक मुश्किल से लड़ गया है, वो मुफलिसी में पला बढ़ा है। हर एक मुश्किल से लड़ गया है, वो मुफलिसी में पला बढ़ा है। जो एक लड़की के जाने भर से बेचारा लड़का सहम गया है। जो एक लड़की के जाने भर से बेचारा लड़का सहम गया है। और लतीफ़े कह के हंसाने वाला, लतीफ़े कह के हंसाने वाला था एक हंसमुख मिजाज लड़का। लतीफ़ा उसका बनाया किसने जो खामोशी पे उतर चुका है। लतीफ़ा उसका बनाया किसने जो खामोशी पे उतर चुका है। और इसी में दोनों की है भलाई, दफन करो जो गुज़र चुका है। इसी में दोनों की है भलाई, दफन करो जो गुज़र चुका है। किसी की चाहत तुम्हें मिली है, किसी का उतरन हमें मिला है। किसी की चाहत तुम्हें मिली है, किसी का उतरन हमें मिला है। और एक आखिरी शेर थोड़ा सा सुनिएगा, आप सबके तवज्जो चाहूँगा। कि वो जल्दी शादी करा दिया था कि अपने पोते को देख लूँगा। वो जल्दी शादी करा दिया था कि अपने पोते को देख लूँगा। मगर वो बूढ़ा खुद अपने बेटे को देखने को तरस रहा है। मगर वो बूढ़ा खुद अपने बेटे को देखने को तरस रहा है। एक बार ये शेर एक बार तवज्जो के साथ सुनिएगा। कि वो जल्दी शादी, ओम भाई तवज्जो चाहूँगा। कि वो जल्दी शादी करा दिया था कि अपने पोते को देख लूँगा। मगर वो बूढ़ा खुद अपने बेटे को देखने को तरस रहा है। मगर वो बूढ़ा खुद अपने बेटे को देखने को तरस रहा है। कुछ और शेर, कुछ गज़ल हाजिर करता हूँ, तवज्जो चाहूँगा आप सबकी। तरन्नुम में सुना देता हूँ आपको। अच्छा सुनिए, पहले ऐसे ही सुनते हैं, थोड़ा सा आप लोगों के मन के मुताबिक सुनाता हूँ। कि खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा दिखता है। हमारे इधर भाई लोग बड़े संजीदा लोग दिख रहे हैं, आप सबके तवज्जो चाहूँगा। कि खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा दिखता है, मेरे छत से उसका कमरा दिखता है। मेरे छत से उसका कमरा दिखता है। और ध्यान लगाओ फ्यूचर पे सब कहते हैं, ध्यान लगाओ फ्यूचर पे सब कहते हैं, हमको उसमें फ्यूचर अपना दिखता है। हमको उसमें फ्यूचर अपना दिखता है। खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा दिखता है, मेरे छत से उसका कमरा दिखता है। चलिए तरन्नुम में सुनाता हूँ कुछ। के दोस्ती लफ्ज से दिल मिलाती है वो, दोस्ती लफ्ज से दिल मिलाती है वो। हक तो पूरा का पूरा जताती है वो, हक तो पूरा का पूरा जताती है वो। क्यों मनाता नहीं मैं उसे क्या पता। शेर सुनिएगा। कि क्यों मनाता नहीं मैं उसे क्या पता। हाय गुस्से में जब मुँह फुलाती है वो, हाय गुस्से में जब मुँह फुलाती है वो। गज़ल, आखिरी गज़ल पढ़ता हूँ उसके बाद जगह लेता हूँ तरन्नुम में। ये सच है किसी का भी सहारा नहीं हूँ मैं, ये सच है किसी। आखिरी गज़ल मैं एकदम पक्का वादा करता हूँ, आप लोग थोड़ा मन बना लीजिए। आखिरी गज़ल है ये।
के ये सच है किसी का भी सहारा नहीं हूँ मैं, बेबस हूँ परेशान हूँ नकारा नहीं हूँ मैं। ये सच है किसी का भी सहारा नहीं हूँ मैं, बेबस हूँ परेशान हूँ नकारा नहीं हूँ मैं। करता किसी की मिन्नतें पूरी मैं किस तरह, करता किसी की मिन्नतें पूरी मैं किस तरह, टूटा गिरा तो हूँ पर सितारा नहीं हूँ मैं। करता किसी के मिन्नतें पूरी मैं किस तरह, टूटा गिरा तो हूँ पर सितारा नहीं हूँ मैं। और ये शेर बतौर खास, उसके बाद मैं जगह लूँगा। के हूरों का भी हो जाऊँगा फिर भी ये एक मलाल, हूरों का भी हो जाऊँगा फिर भी ये एक मलाल, ताउम्र रहेगा कि तुम्हारा नहीं हूँ मैं।